बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मैट्रिक परीक्षा में इस बार कुल 78.17% छात्र पास हो गए हैं। वहीं पहली बार टॉप 10 में 101 स्टूडेंट का नाम शामिल हो गया है। टॉपर्स की सूची में सिमुलतला आवासीय स्कूल का जलवा कायम है। इस बार 3 छात्र संयुक्त रूप से मैट्रिक परीक्षा के टॉपर बने हैं। टॉपर स्टूडेंट में से पूजा कुमार और शुभदर्शनी सिमुलता की छात्रा हैं। वहीं रोहतास के बलदेव हाई स्कूल दिनारा के छात्र संदीप कुमार ने भी 484 अंक हासिल कर टॉपर स्टूडेंट में जगह बना लिया है। पूजा कुमार, संदीप कुमार और शुभदर्शनी को 96.80% अंक हासिल किया है। परीक्षा के नतीजों की घोषणा बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने की है। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने रिजल्ट के बारे में तमाम जानकारियां साझा की हैं। वार्षिक मैट्रिक परीक्षा 2021 के परीक्षा फल की घोषणा अभी से कुछ देर पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा की गई। इस वर्ष वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 में कुल 16,54,171 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, जिनमें 8,29,278 छात्र एवं 8,24,893 छात्राएं थी। इस माध्यमिक परीक्षा में 16,54,171 विद्यार्थियों में कुल 12,93,054 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल विद्यार्थियों की संख्या का 78.17% है। इनमें उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 6,76,518 और छात्राओं की संख्या 6,16,536 है। इसके साथ ही जो आज बिहार बोर्ड के टॉप 10 स्टूडेंट्स अंक के आधार पर पूरे राज्य में इस परीक्षा फल में जो टॉप 10 में जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है, उसमें प्रथम स्थान पर 3 विद्यार्थियों ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पूजा कुमारी जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई की छात्रा है, शुभदर्शनी जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई की छात्रा है, और संदीप कुमार जो बलदेव हाई स्कूल दिनारा रोहतास के छात्र हैं, इन तीनों ने 484 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो कुल अंकों का 96.8% अंक है। इसी प्रकार क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर क्रमांक 10 तक पूरे राज्य में अंकों के घटते क्रम में कुल 101 विद्यार्थियों ने टॉप 10 में अपना स्थान हासिल किया है। वहीं आनंद किशोर ने बताया कि बिहार बोर्ड ने इस बार रिकॉर्ड समय में मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया है। यह रिकॉर्ड समय में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किया गया और समिति द्वारा अब तक का मैट्रिक का सबसे पहले का घोषित यह परीक्षा फल है, जो आज 5 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है। इसके पहले का जो रिकॉर्ड था वह 6 अप्रैल 2019 को वर्ष 2019 में इस परीक्षा फल के परिणाम की घोषणा की गई। इस प्रकार विगत 3 वर्षों से बिहार बोर्ड ने तकनीक के माध्यम से उच्च तकनीक का इस्तेमाल कर पूरे देश में सबसे पहले मैट्रिक की परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किया है और ऐसे कई महत्वपूर्ण तकनीक आधारित प्रयोग और ऐसे कई कार्य किए गए हैं जो बिहार बोर्ड में देश में सबसे पहले किए गए हैं। मैट्रिक परीक्षा में लड़कियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। सिमुलता स्कूल ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इस बार यहां के 14 छात्रों ने टॉप 10 में अपनी जगह पक्की की है। यहां से इस बार 115 छात्रों ने मैट्रिक की परीक्षा में भाग लिया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।